भजन इक्यावन पश्चाताप की प्रार्थना के विषय में है दाऊद के जीवन में एक पाप होता है और उस पाप के बाद में जब परमेश्वर नातान नबी के द्वारा दाऊद को डांट लगाता है तो दाऊद पश्चाताप करता है और उस पश्चाताप के भाव में पश्चाताप स्वरूपी इस भजन को यहाँ पर वो लिखता है जिसमें उसके पाप के पश्चाताप के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं और भजन इक्यावन के अंदर जिस पाप का जिक्र किया गया है वो हम दूसरा शमल अध्याय ग्यारह और बारह में हम इसके इतिहास को हम पाते हैं दाऊद परमेश्वर को जानने वाला एक व्यक्ति था परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था परमेश्वर की व्यवस्था को जानने वाला एक व्यक्ति था फिर भी उसके जीवन में एक पाप उससे हो जाता है हम भी परमेश्वर को जानते हैं हम भी प्रभु की व्यवस्था को जानने वाले प्रभु के वचन को जानने वाले लोग हैं हम भी प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं लेकिन हम भी हमारे जीवन में भी कभी कभी पाप हमसे हो जाते हैं हम कई बार पाप कर देते हैं है कि नहीं क्या कोई ऐसा है जो ये कह दे कह सकता है कि प्रभु में आने के बाद मैंने कभी पाप नहीं किया हमसे हो जाते हैं पाप क्योंकि हम पापी स्वभाव में हैं क्यों होते हमसे पाप क्योंकि हम पाप के स्वभाव में हैं ये पाप का स्वभाव हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है किससे प्राप्त हुआ है आदम से आदम से हमारे जो आदम हमारे जो पिता थे उससे हमें ये स्वभाव मिला है विरासत में मिला है पाप का स्वभाव इस वजह से हम कई बार पाप कर देते हैं हमसे पाप हो जाते हैं लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है वो हमारे पापों को क्षमा करता है उसने हमारे पापों के लिए अपने स्वयं के इकलौते पुत्र को क्रूस पर कुर्बान किया है हमारे पापों के लिए हमारे सारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपनी कुर्बानी दे चुके हैं उनके लिए जो हमने किए थे उनके लिए जो हमसे होते हैं प्रभु ने अपनी कुर्बानी दे दी है प्रभु अपना अनुग्रह हम पर करता है जब हम पाप करते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करता है और फिर से हमें पाप की अवस्था से उठाकर परमेश्वर पिता के करीब हमें लेकर आता है और फिर से पाप की दशा से निकल कर एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमें तैयार करता है अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पाप करने का सर्टिफिकेट मिल गया पॉलिसी कहता है कि परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह करता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम पाप करते रहो अब पाप के लिए कोई और दूसरा बलिदान बाकी नहीं है हमसे पाप होते हैं क्योंकि हम पापी स्वभाव में है यीशु मसीह ने कुर्बानी दे दी है जब हमसे पाप हो तो हम प्रभु के सामने आके हमें पश्चाताप करना है हमसे कई बार जाने अनजाने में पाप हो जाता है कई बार जानबूझ के भी हम कर देते हैं लेकिन परमेश्वर दयालु है अनुग्रह से परिपूर्ण है वो हमें फिर से उठकर उसके करीब आने के लिए हमारी अगुवाई करता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हाँ इसलिए हमें जब जब भी हम अपने जीवन में हमसे पाप होता है होता है कि नहीं होता है हमसे पाप हो जाते हैं मन से वचन से कर्म से अलग अलग रीति कई बार ही हम पापों में गिर जाते हैं क्योंकि पाप का स्वभाव अभी भी बना हुआ है और ये पाप का स्वभाव खत्म कब होगा उस दिन जिस दिन हम अपने अंतिम छोर पे हम जब पहुंच जाएंगे उस दिन ये पापी स्वभाव भी खत्म हो जाएगा जब हम और हम परमेश्वर की पवित्रता में हम हमेशा के लिए वास करेंगे जब हमसे पाप होता है हम पश्चाताप करें और पश्चाताप का जो प्रक्रिया है वो प्रतिदिन होने वाली प्रक्रिया है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जब हमसे पाप हम सच्चे पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सामने आए लेकिन हमारे पश्चाताप में सच्चाई बिल्कुल होनी चाहिए पाप होते हैं प्रभु जानता है कि ये मनुष्य है और पाप के स्वभाव में है ये पाप करेगा लेकिन प्रभु ने अपना आत्मा दिया है लेकिन जब हम पश्चाताप करेंगे तो हमें स्वीकार करता है हाला लेकिन हमें प्रतिदिन अपने पापों के लिए पश्चाताप प्रभु के सामने करना है और पश्चाताप की प्रक्रिया पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जब तक हम इस पापी स्वभाव से छूट नहीं जाते तब तक प्रतिदिन हम प्रभु के सामने पश्चाताप के लिए हम प्रतिदिन उसके सामने हम ऐसे करने से क्या होगा जब हम पश्चाताप करेंगे अब सच्चा पश्चाताप क्या होता है सच्चा पश्चाताप का मतलब है उन पापों को जो हमने किया है उसको मानना और उन पापों को हमेशा के लिए छोड़ देना वो है सच्चा पश्चाताप उस पश्चाताप को परमेश्वर स्वीकार करता है हाल लोया तो हमारा पश्चाताप सच्चा होना चाहिए और सच्चा पश्चाताप की परिभाषा यही है मैंने प्रभु ये पाप किया है मैं मानता हूँ मैंने ये गुनाह किया है और मैं ये विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर मेरे लिए कुर्बानी दी है और तू विश्वास योग्य है धर्मी है मेरे पापों को माफ़ करने में मुझे माफ़ कर और आगे से मैं इस पाप को नहीं करूँगा तो प्रतिदिन जब हम पश्चाताप करते हैं और उन पापों को जिन्हें हम करते आ रहे हैं जो हमसे हो जाते हैं उनको हम छोड़ते जाते हैं तो अपने जीवन भर हम उन पापों से निकलते हुए सिद्धता की ओर आगे बढ़ते रहते हैं हम परमेश्वर के स्वरूप में ढलते रहते हैं प्रतिदिन जब हम पापों को छोड़ते हुए पश्चाताप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं लेकिन अगर क्या होगा अगर मैं पाप में पड़ा रहूं पाप में अगर मैं बना रहूं निरंतर पाप की निरंतरता मेरी जिंदगी में अगर बनी रहेगी तो आपको पता है इसका परिणाम क्या होगा और ऐसा होता है हम मसीह लोगों के साथ भी ऐसा होता है कुछ लोग प्रभु को जानने के बाद भी दाऊद की तरह पाप की निरंतरता में बने रहते हैं पाप करते रहते हैं और उस पाप का परिणाम उनके जीवनों में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है क्या होगा अगर मैं पाप निरंतर करता रहूं क्या होगा अगर मैं पश्चाताप ना करूं क्या होगा अगर मैं मैं अपने पाप पाप जो 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 अंदर जो पाप है जो मैं कर रहा उसे अंदेखा करूं कई बार हम पाप को अनदेखा करते हैं ना कोई बात नहीं छोटी सी बात तो है इससे कुछ नहीं होगा हम अनदेखा करते हैं लेकिन पाप को कभी भी अनदेखा मत कीजिए अगर आप देखते हो कि मेरे अंदर ये पाप है हम प्रभु के सामने पश्चाताप करें प्रभु से दया मांगे प्रभु से अनुग्रह मांगे और उस पाप को छोड़कर आगे बढ़ जाएं तो क्या होगा अगर हम पाप में बने रहते पाप की निरंतरता हमारे जीवनों में क्या लेकर आती है पाप में बने रहने का परिणाम हमारे जीवनों में क्या हो सकता है वो हम सीखेंगे दूसरा शमूल ग्यारह और बारह अध्याय के अंदर हम इस भजन के इतिहास को देखते हैं दाऊद परमेश्वर का हृदय के अनुसार एक व्यक्ति परमेश्वर के हृदय के अनुसार परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति और परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह इसके ऊपर किया है और एक महान राजा अब दाऊद बन चुका है दाऊद बहुत बड़े बड़ा नाम अब बन चुका है दाऊद की पहचान एक बहुत बड़ी पहचान बन चुकी है दाऊद की ख्याति चारों ओर फैल चुकी है और दाऊद की पहचान होती है यहुआ के भक्त के रूप में लेकिन दाऊद के जीवन में एक पाप होता है जो उसे गिराता है क्या है वो पाप आइए पढ़ते हैं दूसरा शमूल ग्यारह एक से पांच फिर ऐसा हुआ कि वर्ष के आरंभ में जब राजा युद्ध करने के लिए निकला करते थे दाऊद ने योआब को अपने सेवकों और संपूर्ण इज़राइल के साथ भेज दिया उन्होंने अमोनियों का सर्वनाश किया तथा नगर को घेर लिया पर दाऊद यरूशलेम नगर में ही रह गया दाऊद कहाँ पर है यरुशलेम नगर में है दाऊद को कहां पर होना चाहिए और अमोनियो के खिलाफ इस वक्त इसराइली युद्ध कर रहे हैं लेकिन दाऊद राजा होने के नाते उस युद्ध में नहीं गया उसने अपने सेनापति योआब को और सारे इसराइलियों को भेज दिया लेकिन खुद एक आराम की जिंदगी जी रहा है अपने घर में अपने महल में अब नियम के अनुसार और अनुभव के अनुसार दाऊद को उस युद्ध में होना चाहिए आप अगर दूसरा शबल दस अध्याय में जाएंगे उसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दाऊद चल की अगुवाई दाऊद उस युद्ध की अगुवाई कर रहा था तो परमेश्वर ने उस युद्ध में उसे विजय दिलाई उसे जिताया लेकिन अभी ग्यारह अध्याय में भी युद्ध चल रहा है और दाऊद उस युद्ध में नहीं गया और इस युद्ध में हालांकि इसराइली जो हैं अमोनियो के ऊपर जो दूसरे राज्य के लोग हैं उनके ऊपर भारी हैं उनके ऊपर हावी जरूर हैं लेकिन उन्हें एक निर्णायक जीत मिली नहीं क्यों क्यों नहीं मिली क्योंकि जो राजा है उस ग्रुप का जो लीडर है इसराइल का जो राजा है दाऊद वो उस युद्ध में नहीं है वो वोसी युद्ध में नहीं इसलिए ये उनको अभी तक कोई निर्णायक जीत उनको नहीं मिली दाऊद अपने घर में आराम कर रहा है यरूशलेम में है संध्या समय दो में वह अपने बिस्तर से उठा और अपने राजभवन की छत पर टहलने लगा छत पर उसने एक स्त्री को स्नान करते देखा वह अत्यंत वस्त्री वह अत्यंत सुंदर थी अतः दाऊद ने किसी को भेजकर उस स्त्री का पता लगवाया किसी ने बतलाया क्या वह एलियाम की पुत्री हित्ती उरिया की पत्नी बदसेबा नहीं है तब दाऊद ने दूत भेजकर उसको बुलवा लिया वह उसके पास आई वह उसके पास सोया और जब वह अपने आप को अशुद्धता से शुद्ध कर चुकी तो अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई तब उसने दाऊद को कहला भेजा कि मैं गर्भवती हो गई हूँ दाऊद यहाँ पर बदसेबा को देखता है अपने महल की छत पे वो घूम रहा है और एक महिला को देखता है जो स्नान कर रही है उसको देखकर वो आकर्षित होता है मोहित होता है और उसके उसको बुलाता है और उसके साथ व्यविचार का पाप वो वहां पर कर देता है कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं दाऊद के अंदर दाऊद का ये गिरावट व्यविचार के पाप के कारण दाऊद की ये गिरावट एकदम से नहीं हुई दाऊद के अंदर पहले से ही एक पाप उसके जीवन में पाप के बीज उसके जीवन में थे दाऊद की आठ पत्नियां थी और बहुत सारे जो विद्वान इस प्रकार लिखते हैं कि दाऊद के इतने सारी पत्नियां होने का, आ, का मतलब यह दिखाता है कि दाऊद के अंदर शारीरिक अभिलाषाओं के प्रति संयम की कमी थी उसके अंदर ऐसा ही हम था शारीरिक वासना से ग्रस्त एक व्यक्ति था वो उसने एक शादी की उसके बाद कोई और पसंद आई उसने दूसरी से शादी की तीसरी से शादी की ऐसे करके उसने आठ पत्नियां उसने अपनी बनाई ये किस चीज को दिखाता है उसके मन की स्थिति को दिखाता है कि वो एक वासना से ग्रस्त एक व्यक्ति शारीरिक वासना से ग्रस्त एक व्यक्ति और उस पाप को अनदेखा करते हुए दाऊद अपने जीवन में आगे बढ़ा बीस साल का इतिहास है दाऊद के साथ में लेकिन दाऊद ने उस पाप के प्रति कभी भी गंभीरता से सोचा नहीं और वही पाप उस धीरे धीरे करके उसके जीवन में और अन्य पापों का कारण बन गए और जब हम बीस ग्यारह का एक पढ़ते हैं यहाँ पर भी एक पाप दाऊद कर चुका है वो पाप क्या है आलसी व्यक्ति आराम पसंद एक व्यक्ति बना हुआ है जो जिम्मेदारी प्रभु ने इसको दी है उसके प्रति वो गैर जिम्मेदार ठहरा वो युद्ध में नहीं गया और अपने महल पर घूम रहा है और उसने व्यभिचार का पाप उस दिन उसने कर दिया एक वीर व्यक्ति जिसने सैकड़ों युद्ध जीते थे एक वीर व्यक्ति एक योद्धा व्यक्ति जिसने सैकड़ों युद्ध जीते थे लेकिन वो अपने अंदर चल रहे युद्ध से वासना का युद्ध उसने जब बदसेवा को देखा था उसके पास एक ऑप्शन था क्योंकि वो पे है उसने उसको ऊपर से देखा उसके पास ऑप्शन है उस वो उस वक्त उस पाप से दूर हो सकता था कोई बात नहीं जब जो मैंने देखा है जो मेरी आंखों से मैंने देखा है मैं उससे भूल जाऊं मैं वो दाऊद के पास ऑप्शन था कि वो उसे भूल जाए प्रभु के सामने अपनी आंखों के द्वारा की गए व्यभिचार के प्रति क्षमा मांगे और वो वहां से आगे बढ़ जाए वो पाप से बच सकता था लेकिन दाऊद ने पाप से बचने का बजाय उसने पाप उस पाप में आगे बढ़ने का निर्णय लिया उसने पाप करने का चुनाव किया अगर हम यूसुफ को याद करें यूसुफ की परिस्थिति तो दाऊद से भी ज्यादा क्रिटिकल थी यूसुफ पोतीफर के घर में काम कर रहा था किसके घर में काम कर रहा था पोतीफर के घर में और यूसुफ के जो है पोतीफर की पत्नी यूसुफ को गलत नजर से देखती थी और ऐसा लिखा है वचन के अंदर कि एक दिन यूसुफ जब घर के अंदर काम कर रहा था तब पोतीफर की वाइफ ने उसे पकड़ा और उसे कहा कि तू मेरे साथ व्यभिचार कर मेरे साथ पाप कर लेकिन यूसुफ ने क्या किया यूसुफ ने पाप करने का चुनाव नहीं किया यूसुफ अपने कपड़े छोड़कर वहां से वहां से वो भाग गया उसको पता था कि मेरे साथ कुछ और भी हो सकता है मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा के मुझे सजा दिलवा सकती है और वो हुआ भी उस स्त्री ने उसको क्योंकि यूसुफ ने पाप नहीं किया उसके ऊपर गलत इल्जाम लगवा के उसको जेल में डलवा दिया यूसुफ ने दुख उठाना बेहतर समझा बजाय इसके कि वो पाप में गिर जाए यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था लेकिन उसने पाप नहीं किया उसने पाप ना करने का चुनाव किया उसी प्रकार दाऊद के पास भी एक चुनाव था वो चुनाव कर सकता था पाप न करने का लेकिन पहले से ही उस पाप के अंदर वो उसके अंदर जो युद्ध चल रहा है शारीरिक वासना का युद्ध शारीरिक वासना के पाप का युद्ध जो उसके अंदर चल रहा है उससे वो जीत नहीं पाया जो युद्ध है असली युद्ध जो है वो बाहर नहीं है जिससे हमें जीतना है असली युद्ध हमारे अंदर चल रहा है जिससे हमें जीतना है हमारे अंदर अलग अलग चीजों को लेकर युद्ध दाऊद के अंदर शारीरिक वासना का युद्ध था हमारे अंदर किसी और चीज का युद्ध चलता होगा दाऊद के अंदर व्यभिचार का पाप था हमारे अंदर कोई और पाप हो सकता है जिसको लेकर हमारे अंदर एक युद्ध चलता रहता है किसी ने कहा कि हमारे अंदर दो तरह के व्यक्ति काम करते हैं एक अच्छा और एक बुरा और वो दोनों लड़ते रहते हैं तो किसी ने पूछा फिर जीतता कौन है उसने बोला जिसको मैं ज्यादा खाना देता हूं जिसको मैं ज्यादा खाना देता हूँ अगर मैं अच्छे व्यक्ति को ज्यादा खाना दे रहा हूं तो वो बुराई के ऊपर विजयी होगा अगर मैं बुराई को ज्यादा खाना दे रहा हूं तो बुराई उस अच्छाई के ऊपर विजय हो जाएगी हमारे अंदर दो युद्ध चलते रहते हैं डिसाइड आपको करना है आप किसको जयवंत रखना चाहते हैं अपने अंदर की अच्छाई को या अपने अंदर की बुराई को दाऊद अपने अंदर चल रहे उस युद्ध को जीत नहीं पाया वो उसमें हार गया और उसने ये निर्णय नहीं किया कि चलो जो मैंने देखा उससे मैं मन फिरा के मैं आगे बढ़ता हूँ मैं अपने घर के अंदर चला जाता हूँ लेकिन उसने वासना से ग्रस्त होकर उस स्त्री उस की जांच पड़ताल वो करवाता है पता करवाता है कि वो कौन है उसके उसके घर पर भेजता है और वो उरिया की पत्नी थी और दाऊद दाऊद के परिवा, के राजभवन में काम करने वाले सलाहकार की पोती थी दोनों का रिश्ता है दाऊद के घराने के साथ में उरिया जो है वो एक सूरवीर व्यक्ति है दाऊद की सेना के का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बहुत स्ट्रोंग सामर्थी व्यक्ति अगर आप दूसरा सहमल उसका 23 अध्याय उनतालीस वचन आप पढ़ोगे वहां पर उरिया का नाम आया है उन सामर्थी व्यक्तियों में जो दाऊद की सेना में शामिल थे इस प्रकार उरिया का जिक्र किया गया कि ये सामर्थशाली व्यक्ति दाऊद की सेना में थे लेकिन दाऊद के अंदर जो पहले से एक पाप पनप रहा था उस पाप ने दाऊद को और पाप करने के लिए उसको लीड किया अगर हम अपने जिंदगी में जो पाप है अगर हम उन पापों को अनदेखा करेंगे तो वो पाप एक दिन हमें और पापों को करने के लिए हमारी अगुवाई करेंगे हमारे अंदर के पाप को अगर हम अनदेखा करेंगे तो वो पाप एक दिन बढ़ के इतना विशाल रूप ले लेगा कि हम सच में हार जाएंगे वो हमारे ऊपर राज करने लगेगा अपने अंदर के पाप को कभी भी अनदेखा मत कीजिए दाऊद ने अनदेखा किया और वो पाप पे पाप करता चला गया एक पाप दूसरे पाप को करने के लिए हमारी अगुवाई करता है दाऊद पहले से ही परमेश्वर के विरुद्ध उसने अपनी इतनी सारी पत्नियों को इकट्ठा करके पाप कर चुका था परमेश्वर बहुत सारी पत्नियों को रखने के पक्ष में नहीं था उसने तो आदम को भी एक पत्नी दी थी लेकिन वो पाप करता जा रहा था और उस पाप ने जो निरंतर उसके अंदर बना हुआ था शारीरिक वासना का पाप निरंतर वो पाप उसे दूसरे पाप की ओर आगे बढ़ाता है उसने उसी पाप के कारण उसी पाप से ग्रस्त होकर उसी पाप की सामर्थ्य में आ, होकर अपने आप को उस पाप के नियंत्रण में कर दिया और जब हम पाप के नियंत्रण में अपने आप को कर देते हैं तब हम किसी की सुनते नहीं हैं दाऊद ने अपने आप को पाप के नियंत्रण में कर दिया उसने ना तो उस आत्मा की आवाज को सुनी जो उस वक्त कह रही होगी दाऊद गलत है वो सब कुछ भूल गया क्योंकि पाप के नियंत्रण में अपने आप को उसने कर दिया और जब पाप के नियंत्रण में उसने कर दिया उसने किसी की नहीं सुनी जो उसके मन ने कहा वो उसने वहां पे कर दिया और आपको पता है ये पाप उसने दूसरी बार दूसरा पाप किया है उसके बाद जब उसने इस पाप को अनदेखा किया जब उसके पास वापस मुड़ने का मौका था वो वापस ना मुड़ के इस पाप में बढ़ गया तो इस पाप ने उसको और पाप करने के लिए मजबूर कर दिया वो और पाप क्या था गलातियों पांच सोलह में इस प्रकार लिखा आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं करोगे आत्मा के अनुसार अगर हम चलेंगे परमेश्वर की आत्मा के अनुसार परमेश्वर जो चाहता है अगर हम वो करेंगे तो हम कभी भी शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं करेंगे लेकिन अगर हम आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे यानी कि वो जीवन नहीं जिएंगे जो परमेश्वर चाहता है तो हम अपने शरीर के विलासाओं को पूरा करेंगे हमें आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है अगर दाऊद आत्मा के अनुसार जहां उसे होना चाहिए था वहां पर होता तो दाऊद ये पाप नहीं करता आत्मा के अनुसार दाऊद को कहां पर होना चाहिए था युद्ध में होना चाहिए था लेकिन दाऊद वहां पर नहीं था परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जहां पर दाऊद को होना चाहिए था वहां पर दाऊद नहीं था इसलिए उसने पाप किया वो वहां पर था जहां पर परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो वहां उसको वहां पर होना चाहिए जब हम पाप करते हैं पवित्र आत्मा की आवाज हमारे अंदर आती है सोनू ये मत कर ये गलत है प्रभु का वचन इसे मना करता है ये प्रभु के वचन के खिलाफ इसे मत कर सोनू को पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई देती है पवित्र आत्मा कार्य करता है Sea, लेकिन अगर सोनू ने पाप के नियंत्रण में अपने आप को कर दिया तो सोनू उसकी नहीं सुनेगा वही दाऊद के साथ यहाँ पर हुआ उसने अपने आप को पाप के नियंत्रण में कर दिया उसने पाप से मुड़कर पश्चाताप करके मुड़कर आगे वो आगे नहीं बढ़ा पाप से उसने मुंह नहीं फेरा पाप का सामना उसने नहीं किया बल्कि पाप में गिर गया अगर पाप का सामना नहीं पाप का सामना करता तो शायद वो बच जाता और जब उसने इस पाप को इग्नोर किया पश्चाताप ना करके पाप उसमें वो पड़ गया तो इस पाप ने उसको और पाप करने के लिए मजबूर कर दिया जब हम पाप को अपने अंदर के पाप को इग्नोर करेंगे तो आपके अंदर पाप बढ़ता जाएगा कम नहीं होगा दाऊद के जीवन में पाप बढ़ता गया कम नहीं हुआ एक तो वह विचार कर दिया उसने और आगे क्या है आप दूसरा सहमल 11 छह से तेरह में आप देखोगे दाऊद ने अपने पाप को छिपाने की कोशिश की दाऊद ने जब उसको पता चला कि बदसेबा गर्भ से है प्रेग्नेंट है और ये मेरी वजह से हुआ मैंने पाप किया है दाऊद ने इस पाप को छिपाने के लिए उरिया को जो कि युद्ध में था अपने सेनापति को बोलकर उसको घर बुला लिया और दाऊद कहता है उरिया तू तू एक काम करो, अपने घर चला जा तुम आराम कर तू युद्ध से आया है तू यात्रा करके आया एक काम करो अपने घर जाओ दाऊद अपने पाप को छिपाने की कोशिश कर रहा है और पाप को छिपाने के, के द्वारा वो एक और पाप कर रहा है उसे लग रहा था अगर बत, अगर उरिया अपने घर चला जाएगा तो जो बदसेबा के गर्भ में जो बच्चा है उसके वो उसका कहलाएगा मेरा पाप ढप जाएगा दाऊद उरिया को गिफ्ट देता उपहार देता है उरिया को शराब पिलाता है ताकि वो नशे में धुत होकर वो अपने घर चला जाए और ये दाऊद का कैसे न कैसे करके ये पाप छिप जाए हम भी कई बार ऐसे ही करते हैं ना हम हमसे पाप हो जाता है बजाय इसके कि हम पश्चाताप करें और प्रभु का वचन कहता है तुम एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लो परमेश्वर को क्षमा करने में विश्वास धर्मी है बजाय इसके कि हम पश्चाताप करें हम पाप को छिपाने में लग जाते हैं और एक पाप को छिपाने के लिए फिर हमें और पाप करने पड़ते हैं दाऊद ने वही किया अपना व्यभिचार का पाप छिपाने के लिए और पाप कर रहा है पाप को छिपाने का पाप और पाप को छिपाने के लिए किस हद तक वो चला जाता है ये वो इधर ही नहीं रुकता देखिए अगर दूसरा शमुल 11 14 से 17 आप पढ़ोगे वहां पर हम देखते हैं कि दाऊद ने उरिया को बत्शेबा के पति को मौत के घाट उतरवा दिया उसे मरवा दिया जब हम अपने अंदर के पाप को अनदेखा करते हैं जब हम अपने पाप अंदर के पाप से पश्चाताप नहीं करते हैं उस पाप में बने रहते हैं तो ऐसा ही कुछ हमारी जिंदगी में होता है हम पाप में निरंतर पढ़ते जाते हैं हमारे जीवन के पाप बढ़ते जाते हैं क्या हुआ आगे दूसरा इस प्रकार जब सवेरा हुआ तब योआब के लिए एक पत्र लिखा उसे उरिया के हाथ भेज दिया अब दाऊद ने क्या किया है उरिया जो है वो अपने घर नहीं गया दाऊद ने बार बार उसको बोला कि तू जा अपने घर तू जा अपने घर जा अपने पत्नी के साथ संगति कर तू अपने घर जा लेकिन वो अपने वहां पर नहीं गया आपको पता है उरिया कितना एक अच्छा और एक धर्मी और एक आज्ञाकारी व्यक्ति था जब दाऊद ने कहा तू जा अपने घर उरिया ने कहा स्वामी मैं कैसे अपने घर चला जाऊं वाचा का संदूक खुले मैदान में पड़ा हुआ है मेरा सेव मेरा स्वामी योआब अमोनियो के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और मेरे जो भाई हैं वो खुले मैदान में तंबुओं में पड़े हैं मैं कैसे अपने घर में जाके आनंद मना सकता हूँ मैं घर नहीं जाऊंगा वो घर नहीं गया जब दाऊ ने देखा ये घर नहीं जा रहा है तो उसके लिए उसने रास्ता निकाला कि अब इसे मरवाना पड़ेगा किसी ने ये कहा है कि पूरे पुराने नियम के अंदर सबसे दुखदाई कहानी दूसरा सम्बल ग्यारह अध्याय के अंदर हम पाते हैं सबसे खतरनाक सबसे सब सबसे दुखदाई कहानी इसे कहा गया है तो अब युवाब घर नहीं ये उरिया घर नहीं जा रहा लेकिन दाऊद ने क्या किया एक पत्र लिखा और उसे दिया कि जाके युआब को देना सेनापति जो इज़राइल की सेना का सेनापति उसको दे देना और उरिया उसको लेकर चला जाता है जब सवेरा हुआ तब दाऊद ने युआब के लिए एक पत्र लिखा और उसे उरिया के हाथ भेज दिया उसने उस पत्र में लिखा था उरिया को घमासान युद्ध की पहली पंक्ति में तैनात करना और उसे और उस युद्ध से पीछे हट जाना जिससे वह घायल होकर मर जाए एक योजना बनाइए युवाब सबसे आगे रखो उरिया को सबसे पहली पंक्ति में जहां पर खतरनाक युद्ध ज्यादा करीब हो ताकि वो जल्दी मर जाए फिर क्या होता है? ऐसा ही हुआ युवाब तो नगर पर दृष्टि रखे हुआ था वह जानता था कि सूरवीर पुरुष कहाँ हैं, अतः उसे उरिया को ऐसे ही स्थान पर तैनात किया तब नगर के पुरुष बाहर निकलकर युवाब से युद्ध करने लगे जिसमें दाऊद के सेवकों में से कुछ लोग मारे गए और हित्ती भी मारा गया। सोच रहे हो अपने पाप को छिपाने के लिए दाऊद पाप पे पाप करता चला गया और देखिए उस पाप को छिपाने के लिए उसे किसी का मर्डर भी कराना पड़ गया और साथ भी अन्य और दाऊद के लोगों को वहां पर मरना पड़ा जब हम अपने अंदर के पाप को अनदेखा करते हैं जब हम पाप के का सामना नहीं करते हैं जब हम पाप के नियंत्रण में अपने आप को दे देते हैं तब ऐसा कुछ हमारे जिंदगी में होता है जैसा दाऊद की जिंदगी में हो रहा है जिंदगी में पाप बढ़ता चला गया पाप बढ़ता चला गया दूसरा 11, अठारह से इक्कीस में इस प्रकार लिखा है जब उरिया मर गया तो युवाब सेनापति ने दाऊद के पास संदेश भेजा कि वो मर गया है और दूसरा समूल ग्यारह बाईस से पच्चीस में जब आप पढ़ोगे इस प्रकार लिखा है ने दाऊद के पास जाकर संदेश देता है कि उरिया मर गया और दाऊद कहता है कि अफसोस करने की जरूरत नहीं है ये दाऊद के शब्द हैं अफसोस करने की जरूरत नहीं है और दाऊद के अंदर कोई अफसोस बिल्कुल भी अफसोस दिखाई नहीं दे रहा है उसने एक एक, एक महान योद्धा को जो उसकी सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था उसको मरवा दिया लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है जब हम पाप के नियंत्रण में अपने आप को दे देते हैं हम इस कदर कठोर हो जाते हैं क्या हो जाते हैं कठोर पापों की अधिकता पापों के अंदर बना रहना हमारे हृदय को कठोर कर देता है और जब हमारा हृदय कठोर हो जाता है तब व्यक्ति किसी भी हद तक गुजर सकता है कुछ भी वो कर सकता है पाप पे पाप वो करता जाता है क्योंकि उसके हृदय के अंदर कठोरता आ गई है मैंने कहा था ना कि जब व्यक्ति पाप के नियंत्रण दे देता है तो वो अपने फिर किसी की नहीं सुनता दाऊद का हृदय इतना कठोर हो चुका है क्योंकि पाप के कारण के कारण परमेश्वर साथ उसकी संगति टूट चुकी है और उसके पाप के कारण उसका हृदय इतना कठोर हो गया है कि उसे किसी चीज किसी की भी परवाह नहीं है किसी का भी डर नहीं है अगर हम आज भी पाप में जी रहे हैं तो हमें मन अपने बारे में सोचने की जरूरत है इससे पहले कि आप कठोर हो जाएं इससे पहले कि आप इतने दूर चले जाएं अपने पापों के कारण कि आपके अंदर परमेश्वर का डर खत्म हो जाए और शैतान की योजनाएं आपके जीवन में पूरी होने लगे उससे पहले लौट आइए प्रभु के सामने पश्चाताप कर लीजिए अपने जिंदगी का आकलन हमें करने की जरूरत है कहीं ऐसा कोई पाप तो नहीं मेरी जिंदगी में जिसे मैं बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरी जिंदगी में आज भी बनी हुई है कुछ पाप हैं जिन्हें मैं आज भी कर रहा हूं छोड़ दीजिए उनको वो पाप हमारी जिंदगी को कठोर कर देंगे वो पाप हमारी जिंदगी को परमेश्वर से दूर कर देंगे और परमेश्वर से दूर होने का मतलब है पूरी तरह से अपने आप को शैतान के हाथ में सौंपना हम अपने आप को जांचें हम कई बार ऐसा ही तो करते हैं हमें पता है कि ये गलत है ये पाप है लेकिन फिर भी हम करते हैं दाऊद ने ऐसा ही तो किया दाऊद को पता है कि निर्गमन में इस प्रकार पुराने नियम की व्यवस्था को जानता है दाऊद निर्गमन की किताब बीस अध्याय चौदह वचन में मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी थी उसमें इस प्रकार लिखा है बीस के चौदह में तू व्यभिचार मत करना तू व्यभिचार मत करना व्यवस्था विवरण पांच इक्कीस पांच अध्याय इक्कीस वचन में इस प्रकार लिखा है तो अपने पड़ोसी की स्त्री का लालच मत करना और दाऊद इनको अच्छे से जानता है लेकिन जब अपने आप को पाप के नियंत्रण में दे देते हैं तब हमें फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है परमेश्वर का डर क्या होता है पाप हमें इतना कठोर कर देता है लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है दाऊद अब भी पाप पे पाप करता जा रहा है उसने उरिया को मरवा दिया के साथ उसने गलत काम किया के दादा दाऊद के भवन में एक मंत्री का काम करते थे एक अच्छे पद पर एक अच्छे घराने की औरत वो थी लेकिन पाप के नियंत्रण में उसने अपने आप को दे दिया उसे अपने प्रिय लोगों के ऊपर दया करने का दया भी वो नहीं दिखा पाया वो कठोर हो गया उसने नहीं सोचा कि ये मेरे मंत्री की पोती है उसने नहीं सोचा कि ये उरिया जो मेरी सेना का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा व्यक्ति है उसने नहीं सोचा। पाप की कठोरता ऐसा बना देती है व्यक्ति को। और एक समय पर आकर हम प्रभु से दूर होते चले हालांकि परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है लेकिन हम अपनी जिंदगी से बहुत कुछ खो देते हैं पाप करने के कारण हम आगे देखेंगे कि हम जब पाप की निरंतरता में बने रहते हैं किन चीजों को हम अपनी जिंदगी से खो देते हैं जब हम जानबूझकर अपने जीवन में पाप करते हैं अब हम भजन इक्यावन पे आते हैं वो पाप करने के बाद बारह अध्याय में हम ये देखते हैं दूसरा समूल बारह अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर नातान को दाऊद के पास भेजता है आप देखिए ये परमेश्वर का अनुग्रह है कितना भला है हमारा परमेश्वर हम पाप करते हैं लेकिन फिर भी वो हमें मौका देता है फिर से अपने, और, अपने पास आने के लिए परमेश्वर ने नातान को भेजा नातान उसको दाऊद को उसके पाप के बारे में इसको जाके बता के उसने पाप किया है नातान जाकर दाऊद को बोलता है तूने पाप किया है तूने वे किया है और जब नातान की आवाज को वो सुनता है तब वो वो पश्चाताप की भावना से भर जाता है लेकिन इस वक्त उसने और ये ये जो पश्चाताप का जो समय है जब उसने पाप किया और अब जो पश्चाताप कर रहा है इसके बीच में एक लंबा समय है बहुत जल्दी नहीं हुआ ये एक लंबा समय है लेकिन जब पश्चाताप की भावना उसके अंदर आता है आती है तब उन बातों का वर्णन करता है जो पाप के कारण वो बहुत सारी चीजों को अपनी जिंदगी से खो देता है जब हम निरंतर पाप में बने रहते हैं जब अपने आप को पाप के नियंत्रण में दे देते हैं और उसके बाद भी हम हम अपने आप को मसीही कहते हैं हम चर्च आते रहते हैं लेकिन फिर पता है हमारी जिंदगी से कौन सी चीजें गायब हो जाती है वो चीजें दिखाई देती हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है भजन ने में उन बातों का वर्णन कर लिखा हुआ है जब हम पाप निरंतर हम पाप करते रहते हैं पाप में बने रहते हैं हमारे अंदर की शांति छिन जाती है पाप हमारे अंदर की शांति को छीन लेता है पाप हमारे अंदर की शांति को छीन लेता हम अब भजन 51 के 18 में देखिए किस प्रकार 51 के 8 में क्या लिखा है मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मग्न हो जाएं मेरी हड्डियां टूट गई मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हड्डियां चूर-चूर हो गई हैं मैं बेचैन हो गया हूं उसके अंदर अशांति आ गई है उस पाप के कारण जो उसने किया जब हम पाप करते हैं हमारे अंदर की शांति खत्म हो जाती है और हम कई बार हम हम नहीं पता कर पाते ये क्यों हो रहा है परमेश्वर ने क्रूस पर अपने एक पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया है हम उसे जानते हैं विश्वास करते हैं वो फिर अशांति हमारे जिंदगी में कैसे आ सकती है अगर फिर भी हम ये बोलते हैं कि मेरे जीवन में मैं इतने साल से प्रभु के पीछे चल रहा हूं चल रही हूं लेकिन मेरी जिंदगी में अशांति है उसका कारण एक ही हो सकता है कुछ ना कुछ पाप है जिंदगी में जो आप भी बना हुआ है जब हम पाप की निरंतरता में बने रहते हैं हमारे अंदर की शांति खत्म हो जाती है जब हम निरंतर पाप करते रहते हैं हमारे अंदर अशुद्धता और अस्थिरता आ जाती है हम टिक नहीं पाते अपनी जिंदगी में पाप के सामने हम बार बार गिरते रहते हैं अशुद्धता से परिपूर्ण हम हो जाते हैं ज्ञान के दस में लिखा है परमेश्वर में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर प्रभु मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर क्योंकि मेरा हृदय शुद्ध नहीं है मेरे अंदर अशुद्धता है पाप हमारे अंदर अशुद्धता को लेके आता है क्या कह रहा है मुझ में मेरे भीतर स्थिर आत्मा फिर से जागृत कर मुझे स्थिर आत्मा दे मैं बार बार गिरता जा रहा हूं मैं बार बार गिर रहा हूं मेरे अंदर स्थिर आत्मा दे पाप हमारे अंदर अशुद्धता और अस्थिरता को लेकर आता है अस्थिरता का मतलब समझते हम टिक नहीं पाते हैं पाप के सामने बार बार हम गिरते जाते हैं जब हम निरंतर पाप में बने रहते हैं पाप हमारे अंदर बहिष्कार की भावना को लेकर आता है ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है लेकिन परमेश्वर ने तो ये कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा क्या परमेश्वर झूठ बोलता है नहीं परमेश्वर झूठ नहीं बोलता लेकिन फिर भी ये भावना मेरे अंदर क्यों आ रही है मुझे ऐसा लगता है प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है मेरा बहिष्कार प्रभु ने कर दिया है ये भावना कहीं ना कहीं उस पाप की वजह से आती है जो हमारी जिंदगी में बना हुआ है पाप हमारे अंदर बहिष्कार की भावना को लेकर आता है एक व्यक्ति का बहिष्कार परमेश्वर ने किया था परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति वो था शाउल राजा शाउल जब परमेश्वर के विरुद्ध उसने काम किया परमेश्वर की आज्ञा को उसने जब तोड़ा परमेश्वर ने अपना आत्मा उससे ले लिया परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठा लिया गया और परमेश्वर ने उसका बहिष्कार किया बहिष्कार की भावना हमारे अंदर हमें महसूस होती है अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ तो अपने हम अपने अंदर अपनी जिंदगी में झांक के देखें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप है जो हमारे अंदर इस प्रकार की चीजों को लेकर आता है दाऊद पाप में जब रहा और उस दौरान उसने किन चीजों को महसूस किया उनका वर्णन यहाँ पे कर रहा है पाप हमारे अंदर आनंद को छीन लेता है उद्धार के आनंद को छीन लेता है देखिए क्या उनके बारे में क्या लिखा हुआ है अपने उद्धार का आनंद फिर मुझे दे अपने उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे मेरे अंदर वो आनंद नहीं है उद्धार का आनंद मेरे अंदर नहीं है मुझे फिर से दे और उधार आत्मा देकर मुझे संभाल ले पाप हमारे अंदर उद्धार के आनंद को छीन लेता है कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता परमेश्वर ने मुझे माफ नहीं किया ऐसे बोलते हैं कई लोग कई भाई कई बहनें बोलती हैं परमेश्वर हमसे प्रेम करता है लेकिन फिर भी उसके उद्धार का आनंद हम अपने जिंदगी में एंजॉय क्यों नहीं कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप है जिसमें हम पड़े हुए हैं पाप हमारे उद्धार का आनंद छीन लेता है परमेश्वर ने हमें क्रूस पर छुटकारा दे दिया है परमेश्वर ने हमारे सारे पापों के लिए अपने पुत्र को क्रूस पर कुर्बान कर दिया है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर चुका है उसने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है लेकिन फिर भी उस क्रूस की आजादी को उस क्रूस के छुटकारे को अपने अंदर में महसूस नहीं कर पाता उसका आनंद छुटकारे के आनंद को अपने अंदर में महसूस नहीं कर पाता हूँ क्यों नहीं कर पाता हूं क्योंकि कहीं कही ना कहीं पाप है मेरी जिंदगी में वो पाप मेरे अंदर आनंद को आने नहीं देता इंजॉय करने नहीं देता पाप हमें प्रभावहीन बना देता है परमेश्वर ने हमें संसार में रखा कि हम उसके गवाह बने उसकी गवाही दे परमेश्वर की आत्मा में होकर हम चलें और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा और प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु मसीह की गवाही हम इस संसार में दें लेकिन जब हम पाप में बने रहते हैं वो वो काम हम कुछ कर नहीं पाए पाएंगे क्योंकि पाप हमें प्रभावहीन बना देता है हम किसी को सिखाने लायक नहीं रहते क्या लिखा हुआ है इक्यावन के तेरह में तब मैं अपराधियों को पापियों को गुनाह जो करने वाले लोग है, तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे कब जब तू मुझे माफ कर देगा जब मैं पाप से निकल जाऊंगा तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा फिलहाल में सिखाने की अवस्था में नहीं हूं क्योंकि मैं प्रभावहीन हूं क्योंकि मेरे जिंदगी में पाप है पाप हमें प्रभावहीन बनाता है कैसे आप पाप भरी जिंदगी को लेकर किसी को सुसमाचार सुना सकते हो क्या साहस होगा हमें क्या वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होगा कि हम दूसरों को सुसमाचार सुना सकें परमेश्वर के प्रेम का बखान हम कर सके परमेश्वर के बलिदान का वर्णन हम कर सके क्या हमारे अंदर ये साहस होगा नहीं होगा हम किसी को सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे हम किसी को कॉन्फिडेंस साहस के साथ प्रभु के छुटकारे की सामर्थ्य का वर्णन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम खुद पाप में जी रहे हैं इसलिए हम प्रभावहीन हो जाएंगे हमारा चरित्र प्रभावहीन हो जाएगा हमारे शब्द प्रभावहीन हो जाएंगे अगर हम पाप में निरंतर बने रहेंगे तो पाप पापी हृदय से हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति का आनंद भी नहीं ले पाएंगे भले ही हम यहाँ पे खड़े होकर गीत गाए शायद आप म्यूजिक को एंजॉय कर रहे होंगे लेकिन परमेश्वर की आराधना का आनंद एक अलग लेवल की बात है परमेश्वर की उपस्थिति को आनंद मनाना एक अलग स्तर की बात है गीत गाना एक अलग बात है लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को अपने हृदय में महसूस करना प्रभु की उपस्थिति के भारीपन को अपने जीवन में महसूस करना वो एक अलग लेवल की बात है क्या लिखा हुआ है हे हे परमेश्वर मेरे उद्धार करता परमेश्वर मुझे हत्या के अपराध से दोष मुक्त कर तब मेरे जीव आनंद से तेरी धार्मिकता के गीत गाएगी पापी जीव के साथ नहीं मैं तेरी आराधना कर सकता गीत गाना और आराधना करना दोनों में अंतर है हे प्रभु मेरे होठों को खोल दे कि मेरा मुंह तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करे। मेरे होठों को खोल दे कि मेरा मुंह तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करे। हम पापी हृदय के साथ प्रभु की आराधना स्तुति का आनंद भी हम नहीं उठा पाएंगे भले ही हम यहाँ पर दस गीत गा लें बारह गीत गा लेकिन अगर हमारे अंदर पाप है हम उसकी आराधना का जो आनंद है उसे कभी चख नहीं पाएंगे ये वो चीजें हैं जो हमारे जिंदगी में आती हैं जब हम निरंतर पाप में बने रहते हैं लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है परमेश्वर ने पश्चाताप करने के लिए दाऊद की अगुवाई की अपने नबी नातान को वहां पर भेजने के द्वारा दूसरा शमल बारह तेरह में हम देखते हैं नाता नबी परमेश्वर की अगुवाई में दाऊद के पास जाते हैं आइए इस वचन को पढ़ें क्या लिखा हुआ है तब दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने भी तेरे पाप को दूर कर दिया है तू नहीं मरेगा हालेलुया, परमेश्वर अनुग्रहकारी है परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार है अगर हम आज तक किसी ऐसे पाप में जी रहे हैं तो आप लोगों को परमेश्वर का आत्मा बुलाता है पश्चाताप करने के लिए और एक सही एक अच्छा और एक भला जीवन जीने के लिए आपको तैयार करने के लिए परमेश्वर का आत्मा तैयार है जैसे ही नातान नबी ने कहा दाऊद तूने पाप किया है और एक बड़ा वर्णन हम वहाँ पर देखते हैं लेकिन दाऊद ने जैसे ही कहा हे परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है वैसे ही नातान पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये कहता है दाऊद परमेश्वर ने भी तेरे पाप को क्षमा कर दिया है तू नहीं मरेगा परमेश्वर ने तेरे पाप को क्षमा कर दिया है हमारे पाप चाहे कितने भी महान क्यों ना हो परमेश्वर के अनुग्रह की महानता को वो दबा नहीं सकते परमेश्वर का अनुग्रह इतना महान है दाऊद ने व्यभिचार किया दाऊद ने मर्डर किया लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको क्षमा कर दिया अगर आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में ये पाप तो शायद परमेश्वर माफ नहीं करेगा परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पाप हिम के सफेद लहू के समान लाल रंग के क्यों ना हो मैं उन्हें हिम के समान श्वेत बना दूंगा आइए अपनी जगह पर हम खड़े हो जाएं।